अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका इस्तकबाल करता हूँ न्यूज 33 नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज 33 नेटवर्क में आपका हरमदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अहम खबर ये है कि आज हज हाउस की मस्जिद में, जी हाँ नाजरीन, एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। जी हाँ नाजरीन, दामाद ने किया अपने ही ससुरे के ऊपर खातिनाना हमला। जी हाँ नाजरीन, हमला करते हुए और उनका मुँह फोड़ दिया। जी हाँ नाजरीन, हज हाउस के सेक्रेटरी ने ये केस पुलिस वालों के हैंड ओवर कर दिया और केस की तफसीलात के बारे में बताया। जी हाँ नाजरीन, और केस एक दर्ज करते हुए और तहकीकात का आगाज कर दिया। जी हाँ नाजरीन, आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हाजी की ये रिपोर्ट है। नहीं नहीं डरो, पीएस पुलिस वाले आ रहे, साथ जाते हैं। बोलो क्या किस्सा है? मास्क छोड़ दूँ 20 साल से पुलिस के से नहीं, आपस का मसला ही है। हमारा भोली है, उसके ऊपर डोरी के सर रहा हमारी बहन का। ऑलरेडी 10 साल से भागे हुआ है उन्हें। वाली साहब नमाज पढ़ रहे तो अचानक उठ के मार दिया जी उनको, नमाज में मार दिया उन्हें आके। ये फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर। 10 साल से भागा भैया उन्हें, ऑलरेडी केस चल रहा है उसकी भोजन में, गौरी केस। उसको पकड़ो, उसको छोड़ना नहीं भैया, उसको उन्हें अचानक उठ के मार दिया भैया नमाज में उन्हें। हमारी बहन बहन पहले इनको लेके जाओ, बाद में भैया शादी करते जमा जाओ। कुत्ते का बच्चा, अल्लाह तक उतरा जा रहा कर दो रहते ही सुबह के बच्चे। आपस में लड़ रहे हैं। बाबा चलो जी, तुम कुछ सुधार लो, मेरी बात सुनो। चलो अरे इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। भाई भाई सैयद अशरफ पाशा हाँ वहीं मस्जिद जुमा की नमाज में मस्जिद में बाबा चलो जी बाबा नमाज मस्जिद में आके मारा में आके जो सो मैं नमाज में चुन दुआ हाथ कौन है कौन ये हमारे ये खलीफ नाम है इसका। हमारे बच्चे को जो है 15 साल से सता रहा पुलिस केस से वहाँ पे। अब गुलाब जो है मस्जिद में जो अचानक उठ के नमाज में मारा उन्हें, अचानक उठ के सारे मुसलमान आए नमाज में उठ के, अचानक हमारे वाली साहब नमाज पढ़ रहे थे अभी, अचानक उठ के उन्हें हमारे वाली साहब के ऊपर हमला कर दिया। उन्हें 15 साल से हमारी बहन को सता रहा, आज अचानक यहाँ मस्जिद में मिला उसको, मैं देखा भी नमाज में।
चलो भाई आ जाओ, अभी केस को खत्म हट जाते। मस्जिद में ऐसे तमाशे करते, मस्जिद में